बड़ी खबर राजधानी लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां जीवन दायिनी 108 102 एम्बुलेंस सेवा का संचालन कर रही कंपनी दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे एम्बुलेंस कर्मियों ने कंपनी के प्रबंधक टीवीएस रेड्डी के पुतले पर ताबड़तोड़ बरसाए जूते और चप्पल। पहले तो आक्रोशित एम्बुलेंस कर्मी टीवीएस रेड्डी का पुतला फूंकने के फिराक में थे, किंतु आशियाना थाना प्रभारी निरीक्षक छत्रपाल सिंह के समझाने पर उन लोगों ने पुतला जलाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। किंतु देर शाम एम्बुलेंस कर्मियों ने नियुक्ति प्रदाता कंपनी दफ्तर के सामने कंपनी के प्रबंधक टीवीएस रेड्डी के पुतले पर जूते चप्पलों की बरसात कर दी। बता दें कि विगत वर्ष 2021 में लगभग 9000 एम्बुलेंस कर्मी निष्कासित कर दिए गए थे, तब से वह लोग बहाली की मांग कर रहे हैं। बहाली नहीं हुई तो ये लोग अब नियुक्ति के दौरान डीडी के माध्यम से नियुक्ति प्रदाता कंपनी द्वारा जमा कराए गए रकम की वापसी की मांग कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद कंपनी दफ्तर के सामने अचानक कंपनी प्रबंधक के पुतले पर जूते चप्पलों की बौछार से हड़कंप मच गया है। पुलिस प्रशासन ने जब हस्तक्षेप किया तब एम्बुलेंस कर्मियों ने पुतले को थोड़ी दूर ले जाकर नाले में डाल दिया।